शिलाजीत कौन खाता है? गौ माता की कसम खाता हूँ, शिलाजीत वो इंसान खाता है जो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुका है। बिल्कुल, स्वर्ण भस्म का, शिलाजीत का और पोर्टर डिब्बा का, वो इंसान आज नेट पर, सोशल मीडिया पर लोगों को, माता बहनों को और नौजवान बच्चों को, नौजवान युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, जो स्वयं पूर्ण रूप से चरित्रहीन और नपुंसक बन चुके हैं। बिल्कुल, न जाने कितने पाखंडी ढोंगी ऐसे साधु संत है देश के अंदर, जो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। और रामकृष्ण भगवान को उन्होंने एक दुकान समझ लिया कि उनके नाम से लोगों को ठगते हैं, कथा वक्ता बन गए, लेकिन उनको असली परिभाषा रामकृष्ण की पता ही नहीं है। राम का जीवन ही गौ माता के लिए हुआ, कृष्ण भगवान का जीवन गौ माता के लिए हुआ, और सत्य सनातन धर्म की जननी, इस विश्व की जननी अगर कोई है तो वो गौ माता है। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे लगता है किसी की कोई भी कथा कामयाब नहीं हो सकती। ठीक, वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों, आज हमारे साथ सपाटे सम्राट सुपरमैन देसी टार्जन जी हैं। अयोध्या की धरती से हुंकार भरकर 151,000 सपाटों का महारिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बना करके अपने आश्रम अलवर की महाराणा प्रताप की पराक्रमी भूमि पर वापस आ चुके हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों, जैसा आपने टाइटल टैग ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको यूथ अपना आइकॉन समझते हैं, वो जो है पेड विज्ञापन कर रहे हैं शिलाजीत का, सप्लीमेंट का और तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, खुद तो करोड़ों रुपए लेकर के उसका विज्ञापन कर रहे हैं, बट युवा जो है दिग्भ्रमित हो रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ देसी टार्जन है, गांव का देसी लाल है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और शुद्ध शाकाहार और गौमूत्र और गाय के दूध से ऐसी शरीर बना रखा है और पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, और एक तरफ ये नकली ऐसे पहलवान है जो युवाओं को बोलते हैं ये डिब्बा खाओ, शिलाजीत खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो आज हमारा चर्चा का जो विषय रहने वाला है कि युवा जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, देसी टार्जन जी से पूछेंगे उनकी डाइट क्या है, क्या जो है शिलाजीत खाने से बॉडी बनती है या गाय का दूध और गौमूत्र पीने से बनती है, इसी मुद्दे पे जो है बेबाक ये इंटरव्यू है। ऐसा इंटरव्यू आपने देखा नहीं होगा, देसी टार्जन पहली बार हमारे कैमरे के सामने आए हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। देसी टार्जन जी, जय गौ माता की। जय गौ माता की, जय श्री राम, गौ माता, राष्ट्र माता, माँ, सभी को प्रणाम। देसी टार्जन जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, अयोध्या की धरती पर आपने 13वां विश्व रिकॉर्ड रच दिया है, राम भद्राचार्य गुरु जी के महाराज के कथा में आपने जो सपाटे लगाए हैं ना, दुनिया हिल रही है, बिल्कुल लोग परेशान है, तो ऐसी ताकत आती कहां से गुरु जी? जी जी, सबको प्रणाम करता हूँ जी। और फिलहाल मैं अपने अयोध्या से जी, अयोध्या वासियों ने जो प्यार सम्मान दिया, हमारे सुशील मिश्रा जी, हमारे प्रिय शिष्य, प्रिय भाई जी, और हमारे प्रशांत तिवारी जी, आशुतोष तिवारी जी, बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गोरखनाथ जी वहां के जी चरित्रवान MLA जी, विधायक साहब जी, और जितने भी वहां के लोगों ने समर्थन दिया जी, गौ माता राष्ट्र माता का, चरित्र का, ब्रह्मचर्य का जी, मुझे नहीं लगता कहीं इतने लोगों ने दिया हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं अपने आश्रम पर गांव चूड़ला, तहसील मुडावर, जिला अलवर, राजस्थान, यहाँ पर आ गई है जी, और मेहनत करके नहा धोकर आपके सवालों का जवाब मैं अब अवश्य दूंगा। गुरु जी, ज्यादा देर ना करते हुए पहला सवाल यह है कि आजकल एक बड़े बड़े यूट्यूबर है करोड़ों रुपए विज्ञापन लेकर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि ये शिलाजीत खाओ, ये सप्लीमेंट खाओ, ये पाउडर डिब्बा खाओ, आप बताओ गुरु जी आपकी डाइट क्या है, क्या वो जो बोल रहे हैं शिलाजीत खाने से बॉडी बनेगी या गाय का दूध और गौमूत्र पीने से बनेगी? आज मैं आपके दिमाग से बिल्कुल सफा कर देता हूँ। बिल्कुल बताइए। और जितने भी नौजवान, युवक, युवती, विद्यार्थी, बुजुर्ग जी इस वीडियो को देख रहे, तो जन जन तक अवश्य पहुंचाना जी, और उनसे मैं इतना ही कहूंगा देखो, जो मांसाहारी है जी, जो अंडा पाउडर का प्रचार कर रहे हैं, जी, अपनी जेब भर रहे हैं जी, शिलाजीत बेच रहे हैं जी, तो वो कैसे चाहेंगे जी कि कोई इंसान गौमूत्र पिए जी? गौमूत्र तो यूं ही मिल जाता है सेवा करने के जी जी, दूध ऐसे मिल जाता है, फल मिल जाते हैं जी, और कम रुपए में जी, तो एक मांसाहारी इंसान कभी नहीं सोचेगा कि वो शाकाहार का प्रचार करे या कराए। बिल्कुल। और मैं गौ माता गौमूत्र दूध पीता हूँ, और जो मैंने बल पाया है जी, 12-13 विश्व रिकॉर्ड बनाए है जी जी, 151,000 सपाटे, दंड बैठक जो मैंने
13वां रिकॉर्ड बनाया है जी, जगत गुरु भद्राचार्य जी के जी, मंच पर जी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे संसार ने, हर वीडियो लाइव और हर वीडियो करोड़ों में जा रही है, मिलियनों में जा रही है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इस पूरी पृथ्वी पर गौ माता के गौमूत्र दूध से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, सारा प्रोटीन गौ माता के दूध में है, विश्व का सबसे ताकतवर प्रोटीन स्टेमिना गौ माता के गौमूत्र में है, अपने से बड़ा जीता जागता प्रमाण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, गरीब बंदा है जी। अब वो मुझे बताओ कौन शिलाजीत खा लेगा 1600 रुपया की, 1600 रुपया की दो डिब्बी आती है, 1600 रुपया का दिन रात सोशल मीडिया खोलो कुछ भी उसमें रहता है, उसमें ये मिली रहती है, ये मूछड़ी मिली रहती है, ये बताने वाले, और इस शिलाजीत को मंगाइए और खाइए, ताकत आएगी, ताकत चरित्र का पालन करने से आएगी, बिल्कुल ताकत लंगोट को धारण करने से आएगी, ताकत शुद्ध सात्विक भोजन शुद्ध विचारों से आती है, ताकत गौ माता के दूध और गौमूत्र पीने से आती है, ताकत अच्छी संगत में रहने से आती है, ताकत जमीन से जुड़कर प्रतिदिन संघर्ष करके सुबह 4 बजे उठकर माता पिता के चरणों में बैठने से आती है जी। ताकत अपने गुरु और आचार्य के पद चिन्हों पर चलने से आती है, ताकत हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे सुखदेव राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल बहन सुशीला दीदी छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको अपना आदर्श बनाकर उनके पद चिन्हों पर चलने से आती है, उनके चित्र और चरित्र को धारण करने से आती है। राम और कृष्ण के चित्र लगाना बड़ी बात नहीं, कोई भी लगा सकता है। आज जो अंडा खा रहा, मांस खा रहा, गंदा काम कर रहा, दुष्कर्मी है, सबसे गिरा हुआ इंसान है, समाज को नीचा दिखा रहा है, भेदभाव और जातिवाद फैला रहा है, वो भी रामकृष्ण को मानता है, लेकिन उनके चरित्र को धारण करना वो सबसे बड़ी बात। लोग घरों में चित्र लगा लेते हैं लेकिन तर्जन जी चरित्र नहीं अपना पाते। चरित्र अपनाइए, चित्र लगाइए मत लगाइए, लेकिन राम भगवान का कृष्ण भगवान का चरित्र पढ़िए आप, न जाने कितने पाखंडी ढोंगी ऐसे साधु संत है देश के अंदर जो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, और रामकृष्ण भगवान को उन्होंने एक दुकान समझ लिया कि उनके नाम से लोगों को ठगते हैं, कथा वक्ता बन गए, लेकिन उनको असली परिभाषा रामकृष्ण की पता ही नहीं है। राम का जीवन ही गौ माता के लिए हुआ, कृष्ण भगवान का जीवन गौ माता के लिए हुआ, और सत्य सनातन धर्म की जननी, इस विश्व की जननी अगर कोई है तो वो गौ माता है। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे लगता है किसी की कोई भी कथा कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, तो गुरु जी आप एक बात बताओ, जो युवा हैं जी, ठीक है, जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर अपने आप को समझते हैं और थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलने के बाद जो है युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, तो उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, अपनी शुद्ध शाकाहार उनको, और गाय के दूध को उनको बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और कोई इंसान दारू पीकर खुद ट्रक के नीचे आ जाए उसमें किसकी गलती है भाई जी, बोलो, खुद की है। अगर कोई दारू पीकर इंसान इस भीत है इसमें टक्कर मारे और कहे ओहो ये तो गलती हो गई, इसमें किसकी गलती है? मैं तो बता सकता हूं, देखो जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो मुझे मेरे गुरुजी से आचार्य जी से बड़े बुजुर्गों से माता पिता से मुझे मेरे गुरुकुल से जो प्राप्त हुआ वो ही मैं आपके सामने धर सकता हूँ, बाकी मैं घर घर तो जा नहीं सकता। और आपके मुझे इतना काम रहता, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है सब कुछ होने के बाद, क्योंकि अच्छा इंसान को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, और जो चोर है डकैत है गद्दार है उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संघर्ष की परिभाषा है ही नहीं, संघर्ष वही करेगा जो लंगोट का पक्का होगा, चरित्रवान, चरित्र का पालन वही करेगा जो चरित्रवान होगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं ना तो कोई आप शिलाजीत खरीदिए ना शिलाजीत खाइए, ठीक है, इतनी महंगी है जितने की आप 1500 रुपए की शिलाजीत खाते हो, अरे यार जूस पी लीजिए दुकान पर जाकर 1500 रुपए, फल खा लीजिए 1500 रुपए के, एक महीने चलेंगे, बादाम ले आइए, छुआरे लाओ, और दूध है दूध लगवा लीजिए, गौ माता का दूध पीजिए, उसमें आप छुआरे डाल सकते हो, पेठे की मिठाई डाल सकते हो, सबसे बढ़िया मिठाई, अगर मिठाई में कोई सबसे बढ़िया मिठाई है वो पेठे की मिठाई है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता, उसे खा सकते हो, काजू है, बादाम है, मनक्खा है, छुआरे, किशमिश है, ये चीज भी नहीं मिलती। देखो भाई गरीबों के पास काजू बादाम कौन से खाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज भी नहीं मिलती, तो आप किशमिश ले आइए, फिर भी कुछ भी नहीं होता तो कम से कम दूध पी लीजिए, फल खा लीजिए, केला खा लीजिए, सबसे सस्ती चीज है, और अपना व्यायाम दंड बैठक मारिए,
फिर देखिए दिन दुगनी रात चौगनी और आपके शरीर में बल बढ़ेगा। आप क्या हो, अपने पड़ोस में रहने वाले लड़का से, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लड़काओं को देखते हो, यार शरीर बहुत तगड़ा है यार भाई, बहुत तगड़ी छाती है, अच्छे डोले सोले है। अरे भाई उसके अंदर ताकत नहीं है, पूर्ण रूप से नपुंसक है। और जो इंसान पाउडर डिब्बा खाते हैं ना, कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर कह चुके हैं कि वो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुके हैं, उनकी औरतें उनके छोड़कर भाग गई। क्या करे भाई, जिनके अंदर ब्रह्मचर्य चरित्र की बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं, और वो तुम्हें शिलाजीत खाने की सलाह देते हैं। शिलाजीत कौन खाता है, गौ माता की कसम खाता है शिलाजीत वो इंसान खाता है जो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुका है। बिल्कुल, स्वर्ण भस्म का, शिलाजीत का और पाउडर डिब्बा का वो इंसान आज नेट पर, सोशल मीडिया पर लोगों को, माता बहनों को और नौजवान बच्चों को, नौजवान युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, जो स्वयं पूर्ण रूप से चरित्रहीन और नपुंसक बन चुके हैं। बिल्कुल, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से तुम खुद नपुंसक बन चुके हो जी। तुम्हें भी अगर बलवान बनना है जी, सात्विक भोजन से, अच्छे विचारों से चरित्रवान बनना है जी, आइए हमारे पास, खुला दरबार है, तुम पर भी हम अपना आशीर्वाद दे देंगे जी।